हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समृद्धि टीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको 7th क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। तो हमको 99 का क्यूब निकालना है, पर अगर हम इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, मतलब 99 को 3 बार 99 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 99 into 99, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको इससे यहाँ से फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जाके क्यूब आएगा। तो इसको करने के बजाय हमें इसे आइडेंटिटीज़ के हेल्प से करना है। किसके हेल्प से? आइडेंटिटीज़ के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं हम इसको आइडेंटिटीज़ के हेल्प से कैसे इस 99 का क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 99 का क्यूब। तो हम 99 का क्यूब इस तरह निकालेंगे। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये जो यहाँ पर हमें दे रखा है कि किसका क्यूब निकालना है। जो हमें दे रखा है उसको हम देखेंगे कि वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 99 कितना है, कैसा है, क्या है? 99 हमारा 100 से एक कम है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब निकालना है हमको। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 - 1 इस तरह, इंटू 100 - 1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब हमारा यहाँ पे क्या फार्मूला बन के आ गया, a - b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ये फार्मूला हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस साइड हमारा आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये जो फार्मूला, इसका फार्मूला, इसको जब हम जो है ये देखिए यहाँ पर हमारा ये समझ लीजिए, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा बन के क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला तो यही जो है हमने पढ़ रखा है ना, a - b होल स्क्वायर का, तो उसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ आएगा, सॉरी, -2ab, तो 100 * 1 ये आ गया। ठीक ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से रहेगा, ये गलती से इक्वल्स टू लग गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 - 1, एक सेकेंड, 100 - 1 इंटू, अब जब हम 100 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हम इसका डबल लिख देंगे, सीधे सीधे 4 जीरो हो जाएंगे, तो मींस 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, देन 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर ये था हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200 ये हमारा आ जाएगा, -200। ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जब हम 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, देन 100 + 1 100, तो यहाँ पर +100, फिर यहाँ पर क्या है, 100 * 200, तो क्या आ जाएगा, 100 * 200, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,000।
ये आएगा हमारा माइनस में, ये देखिए ये आ गया हमारा, फिर ये हमारा अब इधर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आएगा हमारा 10,000, ये आ गया हमारा 10,000। देन इसके आगे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आएगा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो वन आ जाएगा। फिर वन से हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 200। तो जब हम अब अपने इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले हम माइनस के वाला ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी प्लस कर लेते हैं सबसे पहले हम, तब बाद में माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 100,000, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 300, ये देखिए 100 प्लस 200 तो ये 300 होके इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। फिर माइनस ये 20,000 और 10,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 30,000, ठीक है, और माइनस वन, ये इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो ये हमारा जब सॉल्व होगा तो हमारे पास आ जाएगा 97,0,300, ये आएगा माइनस वन, ये वन हमारा यहीं आ जाएगा। तो जब हम इसमें से वन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 97,0,299, यही तो आएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा 99 का क्यूब क्या है हमारा, ये है 99 का क्यूब, क्यूब ऑफ 99, ये है, ठीक है, यही है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्लास 9th NCERT मैथ्स के सोल्यूशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।